हेलो, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। और अपना और आपके ज़रा क्वेरीज भी हैं, उन क्वेरीज के भी आपको ज़रा आंसर दे दूँ। दो सेकंड वेट करना। इसका सर, जैसे मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आई सर। ये तो हो गया आपका। सर मैं ये कह रहा था कि जरा अगर हो सके तो वीडियो ना सर थोड़ा जल्दी डाल दीजिए, करिए एक्चुअली सर आजकल ऑफ है। आई एम नॉट एबल टू गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ लेक्चर 2 ऑफ द वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी क्लियर। स्टेट टू इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड टू दो चेंजेस बोलने शॉर्ट क्वेश्चन। वैसे वो कह रहा है कि जब हमारा ट्रांजिशन मतलब था, ट्रांजिशन मतलब होता है चेंजिंग पीरियड। जब हमारा अर्ली वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हुआ, तो उस ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि लोगों का जो लाइवलीहुड का जो तरीका था बेसिकली वो चेंज हो गया था। पहले लोग क्या कहते हैं, हंटिंग पर डिपेंड रहते थे, अब लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव हो गए। अब वो लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव हो गए, शिफ्ट हो गए, ठीक है। पहला चेंज तो ये लिख सकते हो। दूसरा चेंज आप क्या लिख सकते हो, दूसरा चेंज आप यहाँ से लिख सकते हो पूजा वाला। पहले वो नेचर की पूजा करते थे, अब उन्होंने रिलीजन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब वो इनके इनकारनेशंस की पूजा करते हैं। दो कोई ये दो चेंज लिख दो आप पे, है ना, ठीक है, काफी है ये। ऐसे ये चेंजेस लिखने हैं, और कोई चेंजेस नहीं लिखने, ठीक है। और आपने क्या पूछा है, एक्चुअली ना थोड़े से ना क्वेश्चन कट हो गए हैं जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं ये तो अलग है। सर। संगम एज के अंदर हमको ना तमिल किंगडम्स को कट करवा दिया है, लेकिन सर आप करवा ही दीजिए क्योंकि ज्यादा अच्छा है, फिर बाद में कभी बात दे देते हैं। सर ये जो संगम एज वाला चैप्टर है, इसके शॉर्ट आंसर्स का जो फोर्थ वाला है, इसका जो सेकेंड पार्ट है, व्हाई आर दिस सो कॉल्ड, इसका आंसर सर मेरे को मिल नहीं रहा है। फोर्थ का सेकंड है ना, शॉर्ट में आपका फोर्थ का, शॉर्ट में फोर्थ का सेकंड। अच्छा, मेगालिथ कौन थे और उनको मेगालिथ क्यों कहा जाता था। अच्छा,
चलो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको लिखवा दूंगा, ये मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं आपको लिखकर सेंड कर दूंगा। और देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है आपका। व्हाट डज द टूल कैप्रियम से अबाउट द बेस ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। अरे है तो ये तुम्हारा, वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 351 है क्वेश्चन, क्या है ये, व्हाट इज द टोल कपिंग से व्हाट द बेस ऑफ लिविंग, बे ऑफ लिविंग के बारे में पूछ रहे हैं ना। ये रहा, यहाँ से आपको स्टार्ट होके लिखना है, ये नहीं बिल्कुल ही है ना। यहाँ तक बेसिकली आप पढ़ लेना। अब यहाँ पर वे ऑफ लिविंग के बारे में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे वे ऑफ लिविंग के बारे में बता रहा है, वहाँ पर इसमें संस्कृत लैंग्वेज थी, लैंग्वेज थी, ठीक है, ब्राह्मण्स की रेस्पेक्ट की जाती थी, ठीक है, किंग ओकेजनली जुडिशियल ऑफिसर था। तो ये वे ऑफ लिविंग ही तो है, ये बेसिकली क्या वे ऑफ लिविंग ही है। पर एग्जैक्ट इसमें वे ऑफ लिविंग आई थिंक नहीं,
रफ लिविंग का आपको उनसे देखना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं पर लग सर टोल कपेन के अकॉर्डिंग कुछ है नहीं, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। और देखते हैं और आपका क्वेश्चन क्या है। चलो बाकी क्या पर कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो हम जरा आय का टेस्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। हाँ ना, पहला सोर्स तो पढ़ लिया था बेसिकली, अकाउंट्स ऑफ फाहियन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे, विशिष्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। हम आते हैं सेकंड सोर्स के ऊपर, है ना, द अलाहाबाद प्लेयर इंस्क्रिप्शन। अलाहाबाद प्लेयर पर जो लिखा हुआ है, एक तो वो है या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशास्ति, प्रयाग प्रशास्ति, ठीक है। तो कह रहा है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एपिग्राफिक एविडेंसेस ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज कंपोज्ड बाय हरिसेना द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। अलाहाबाद प्रिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशास्ति रिटर्न प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त आर्ग्यूएबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स। कुछ वर्ड्स आए जरा ये नोट करो जरा, बस यही एक वर्ड है यहाँ पे और तो कहीं है नहीं। है ना, देखो जरा एपिग्राफी का मीनिंग। लिख लिया इसको, लिखो रिटेन, इसको लिखो रिटेन, है ना, रिटेन WRITEN रिटेन एविडेंसेस। अगर एक लिखा हुआ एविडेंस अगर जब अगर हम देख रहे हैं इनके नॉलेज के बारे में, तो लिखा हुआ एविडेंस तो यही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में बेसिकली, कंपोज हुआ है हरिसेना, ये जो लिखा हुआ भी है जो किसी ने कंपोज किया है भी इसने कुछ और देता हूँ। कंपोज हुआ हरिसेना द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। हरिसेना कौन थे, एक पोएट थे उनके, राजपोट वो कह सकते हो, हर राजाओं के एक अलग अलग पोएट होता था, जो अच्छे पोएट होते थे उनको वो अपने कोर्ट का पार्ट मान लेते थे। तो वो बता रहे कि हरिसेना कौन थे, समुद्रगुप्त के महल के या उनके कोर्ट के क्या थे, एक पोएट थे जिन्होंने एक जिन्होंने कुछ कंपोज किया, क्या कंपोज किया, अलाहाबाद प्लेयर इंस्क्रिप्शन। जो अलाहाबाद प्लेयर इंस्क्रिप्शन पर जो लिखा हुआ था वो सब उन्होंने ही लिखा था, जिसको हम प्रयाग प्रशास्ति के नाम से भी जानते हैं। क्यों लिखा गया था, समुद्रगुप्त की तारीफ में, समुद्रगुप्त की तारीफ में आर्ग्यूएबली, यानी मतलब सब लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन फिर भी मोस्टली लोगों का कहना है कि द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स, गुप्ता रूलरों में सबसे ज्यादा ताकतवर रूलर यही थे। डिस्क्राइब द रेन ऑफ द गुप्ता इन एंशिएंट इंडिया। ये जो एंशिएंट पिलर है, जो भी आपका इंस्क्रिप्शन है, जो आपका लावा पिलर है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो बताता है द रेन ऑफ गुप्ताज इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में गुप्ताज का क्या मतलब रूलिंग था, है ना, उनकी रूलिंग के बारे में। बिसाइड्स इट प्रोवाइड्स एन इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ किंग्स एंड ट्राइबल रिपब्लिक्स दैट वर कंक्वर्ड बाय समुद्रगुप्ता। इसमें ये भी लिखा हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है कि किन किन किंग्स को या ट्राइबल ग्रुप्स को समुद्रगुप्त ने जीता, यानी उनको हराया था। द इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी के मैटर से देखें तो अभी ये इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इट इंडिकेट्स बाय नेमिंग द डिफरेंट किंग्स एंड पीपल्स हु पॉपुलेटेड इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फोर्थ सेंचुरी। फोर्थ सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कौन कौन से किंग कहाँ कहाँ पर रहते थे, कौन कौन से किंग लोग कहाँ कहाँ रहते थे, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है।
एन एक्स सर्पिल फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति, उस प्लग में एक चीज लिखी हुई है तो उसमें से पैराग्राफ यहाँ से उठाया गया है, इसका मतलब पैराग्राफ एक एग्जाम्पल बेसिकली कह सकते हैं आप, ठीक है। ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन द अर्थ, ऑन अर्थ ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ हिज मैनी गुड क्वालिटीज अडॉर्न्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शंस हैज वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग्स विद द सोल्स ऑफ हिज फीट। ही इज पुरुष द सुप्रीम बींग बींग द कॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ही इज वन हूज टेंडर हार्ट कैन बी कैप्चर ओनली बाय डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी। ही इज पजेस्ड ऑफ कंपैशन। ही इज द गिवर ऑफ मेनी हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ काउज एंड हिज माइंड हैज रिसीव्ड सेरेमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द मिजरेबल द पुअर द फॉरलोर इन द सफरिंग। ही इज रेस्पेंडेंट एंड एम्बॉडीड काइंडनेस टू मैन काइंड इक्वल टू कुबेर द गॉड ऑफ वेल्थ वरुण एंड द यम। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स लिखे जा रहे, ये वर्ड्स तो लिखो ज़्यादा नोट कर, फिर मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। रेस्पेंडेंट का मीनिंग लिखो पहले, रॉयल है ना, रॉयल रॉयल लिखो, रॉयल आर ओ वाई ए एल। फॉलोन का मीनिंग लिखो, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्फन। फॉलोन को लिखो ऑर्फन। टेंडर हार्ट का लिखो मीनिंग, टेंडर हार्ट का। सॉफ्ट हार्ट है ना, मतलब इमोशनल थे थोड़े। अडॉन लिखो, अडॉन मतलब होता है, कैसे होता हूँ कैसे होता हूँ, डेकोरेटेड लिखो, डेकोरेटेड। मल्टीट्यूड लिखो, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब होता है क्राउड, क्राउड मास भीड़ भाड़ कुछ भी लिख लो, है ना। एक बार पढ़ते हैं शुद्ध बात, है ना। ही वाज, अच्छा एक बार तो रह गया एंटागोनिस्ट, ये बिल्कुल। इसका आप लिखो, अब क्या कहते हैं इसको, विरोधी को क्या कहते हैं, विरोधी को क्या कहते हैं, एनिमी लिख लो इसका मीनिंग, एनिमी, इससे भी कम हो जाएगा एनिमी, है ना। क्या लिखा, ही वॉज विदाउट एन एनिमी ऑन अर्थ। ही वॉज विदाउट एन एनिमी, उनका अर्थ पर कोई भी दुश्मन नहीं था। सर ये तो हो ही नहीं सकता, अरे जब वो सबको जीत चुके हैं ना उसके बाद बता रहे हैं, अब वो सबको हरा चुके हैं, अब कौन बचा उनको दुश्मन, कोई नहीं सकता। तो वही लिखा, उनकी तारीफ में लिखा गया बेसिकली कि उनका अर्थ पर कोई दुश्मन नहीं है, इतनी ताकत वाले कि सारे लोग डरते हैं उनसे, तो कोई दुश्मन ही क्यों रखेगा। ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ हिज मेनी गुड क्वालिटीज, उनके अंदर क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि भर गई है, भीड़ लगी, भीड़ मैंने कहा मल्टीट्यूड को लगता है ऑडिटर,
वो बहुत सारी क्वालिटी से भरे हुए हैं, वो बहुत सारी क्वालिटी से भरे हुए हैं, अडॉर्न बाय हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शंस और डेकोरेटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ एक्शंस। उनके जो काम है वो भी बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सारे अच्छे हैं, वो जो काम करते हैं वो भी अच्छे काम करते हैं। हैज वाइफ ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग्स, दूसरे राजाओं की जो फेम है, जो इज्जत है, जो रेस्पेक्ट है, ठीक है, वो सारी उन्होंने साफ कर दी, वाइफ ऑफ अदर साफ कर दी है। विद द सोर्स ऑफ हिज फीट, मतलब अपने पावर से, बेसिकली इसका मीनिंग यही है। He is Purush, the supreme being, being the cause of prosperity of the good and the destruction of bad. He is incomprehensible. Basically क्या कहना चाह रहे हैं कि तारीफ में क्यों लिखा जा रहा है, तारीफ ही की जा रही है कि तो पुरुष है, पुरुष इंसान है, the supreme being है ना, basically पुरुष। Being the cause of prosperity, खुशी का कारण है वो, खुशी का कारण है वो, एंड है ना prosperity of the good, अच्छे लोगों की खुशी का कारण है वो, अच्छे लोगों की खुशी का कारण है वो, और बुरे लोगों की बर्बादी का कारण है वो। क्या है, अच्छे लोगों की तो प्रॉस्पेरिटी का कारण है वो, और बुरे लोगों की डिस्ट्रक्शन का कारण है वो। इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, उनको मतलब वो बहुत व्यापक हैं, वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, आप उनको समराइज कर ही नहीं सकते हो, मतलब उनके साथ में कर, इनकी इतनी ज़्यादा क्वालिटीज हैं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज हैं। His one whose tender heart can be captured only by devotion and humility. वो कह रहे ये वो है जिनका हार्ट काफी सॉफ्ट है, जिसको आप कैप्चर यानी जिसको आप कंट्रोल कर तभी कर सकते हो अगर आपका उनके प्रति प्योर डिवोशन हो। ह्यूमिलिटी आपके अंदर मानवता होनी, एक ह्यूमन के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। ही इज पजेस ऑफ कंपैशन, अब उनकी क्वालिटी कारण उनके अंदर कंपैशन है, वो कंपैशनेट है, काफ़ी मर्सी है उनके अंदर, दया है उनके अंदर। ही इज द गिवर ऑफ हंड्रेड थाउजेंड ऑफ काउज, उन्होंने उन्होंने लैक्स ऑफ काउज उन्होंने क्या किए, डोनेट की हैं। हिज माइंड हैज रिसीव्ड सेरेमोनी एंड इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द मिजरेबल, मतलब उनके माइंड में ये है कि वो मिजरेबल लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, पुअर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, फॉलो जो अनाथ लोग होते हैं, ऑर्फन लोग होते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, सफरिंग जो परेशानी फील कर रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ही इज अ रेस्पेंडेंट एंड एम्बोल्ड काइंडनेस टू द मैनकाइंड, बिल्कुल काफ़ी रॉयल है, काफ़ी शाइनिंग पर्सनैलिटी है, एंड एम्बोल्ड काइंडनेस उनके मैनकाइंड में, उनके मैनकाइंड में ही क्या है, काइंडनेस है अंदर ही उनके। ही इज इक्वल टू गॉड्स, ही इज इक्वल टू गॉड्स, वो कह रहे हैं वो भगवान के बराबर, वो कुछ देवताओं के बराबर है, भगवान वाला गॉड नहीं है, देवताओं वाला गॉड है, ठीक है, वो देवताओं के बराबर है, वो कुबेर के बराबर है, कुबेर मतलब गॉड ऑफ वेल्थ, वो वरुण देव के बराबर है, गॉड ऑफ ओशन, वो इंद्र देव के बराबर है, गॉड ऑफ रेन, वो यम के बराबर है, गॉड ऑफ डेथ, इनके बराबर है, यानी सारी तारीफ की गई है। आगे देखते हैं रिंग ऑफ गुप्ता पीरियड, द रिंग ऑफ गुप्ता पीरियड, द रिंग ऑफ गुप्ता पीरियड, द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट टू रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्री गुप्त एंड हिज सन गतोत्कच इज ऑब्स्क्योर। एक और लिखो यहाँ पर ऑब्स्क्योर, पहले ऑब्स्क्योर मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर जो क्लियर ना हो। तो वो कह रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के जो फर्स्ट दो रूलर है ना श्री गुप्ता और उनके बेटे गतोत्कच, उनकी हिस्ट्री ना अनक्लियर है, उनकी हिस्ट्री अनक्लियर है, यानी कि उनको डिटेल ज्यादा हमारे पास नहीं है, जैसे भी हिस्टोरियंस रह चुके हैं उनके पास उनकी ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। सो इट इज बिलीव दैट द गुप्ता एरा ओरिजिनेटेड विद द रिंग ऑफ चंद्रगुप्त वन, तो ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त जो गुप्त गुप्ता पीरियड का जो ओरिजिनेट हुआ है, जो बर्थ हुआ है, जो स्टार्टिंग हुई है, वो चंद्रगुप्त के टाइम से हुई है सर, ऐसा क्यों माना जाने लगा जब पहले रूलर वो थे गुप्ता को, तो इसलिए मान गए क्योंकि उनके अंदर इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब लोगों को ज़्यादा महान काम नहीं किए होंगे, तो अगर उन्होंने महान काम किए नहीं है तो हम कैसे कह दें कि उन्होंने पीरियड बनाया है। अगर उन्होंने फिर महान काम किया होते तो वो हिस्ट्री में फेमस होते, हिस्ट्री में फेमस होते तो उनका डिटेल हमें पता होती, अब डिटेल पता नहीं है, सब फेमस नहीं थे, फेमस नहीं था, उन्होंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया तो उन्होंने कोई एम्पायर बनाया भी नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में उन्होंने ज़्यादा अच्छे काम किए तो उन्होंने अपना एम्पायर बनाया जिसको हमने गुप्ता पीरियड कहा, तो इसलिए गुप्ता पीरियड को चंद्रगुप्त को बेसिकली क्या मानते हैं,
चंद्रगुप्त की स्टार्टिंग के साथ बेसिकली माने थे गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग विद द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, महाराजा धीराज या फिर किंग्स ऑफ किंग ऑफ किंग्स। बहुत सारे किंग, बहुत सारे किंग्स हैं, उनका भी सुप्रीम किंग है, ठीक है। After declaring his independence in Magad, अपने इंडिपेंडेंस मगध में डिक्लेयर करने के बाद चंद्रगुप्त वन एक्सटेंड चंद्रगुप्त फर्स्ट एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू मैत्रीमोनी अलायंस विद मैरिंग लिच्छा लिच्छवी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। बेसिकली आपको मैं बताएगा कि किसी जगह को जीतने के दो तरीके होते हैं। आप किसी जगह पर कंट्रोल करने जा रहे हो तो दो तरीके से होते थे पुराने टाइम पर, या तो आप उन्हें लड़ लो, लड़के लड़कर उनको हरा दो, उनके अपने कंट्रोल में कर लो, या फिर जो फ्रेंडली टर्म्स में वो जगह ले लो। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मगध के तो रूलर थे ही थे, उन्होंने अपने एम्पायर एक्सटेंड करने का क्या तरीका लगाया? उन्होंने अपना बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक जगह है, जगह का नाम नहीं बताया बेसिकली, है ना। मतलब लिच्छवी एक जगह है, लिच्छवी एक जगह है, उन्होंने उस जगह को भी अपने कंट्रोल में किया। लेकिन उस जगह को उन्होंने कंट्रोल करने का तरीका पता है क्या क्या? उन्होंने जगह पर जाकर उनके वहाँ के किंग को अटैक नहीं किया, बल्कि उनकी बेटी से शादी कर दी। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब क्या? बेसिकली शादी कर ली वहाँ पर, और शादी करके रिश्ता बना लिया, तब वो वहाँ के राजकुमार बन के बेसिकली वो वहाँ के क्योंकि प्रिंसेस ही उनकी वाइफ थी, तो वो प्रिंसेस के नाम पे तो कुमार देवी, वो वहाँ के प्रिंसेस अगर तो बोला इधर भी उनका हो गया, तो बेसिकली वहाँ के भी राजा बन गए। तो ऐसा वो करते थे उस टाइम पर, उन्होंने ये ऐसा भी किया। फिर बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त, उनका बहुत नाम है हिस्ट्री में, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन नॉट हिम इज ऑब्टेंड फ्रॉम द अलावा क्लर्क इंस्क्रिप्शन। उनकी सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अलावा क्लर्क इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कि कंप्लीट की गई है उनके कोर्ट के पोएट हरिसेना द्वारा। ही वॉज अ ग्रेट कन्फरर, वो बहुत बड़े विनर थे बेसिकली, एंड एवर स्टेट्समैन एज वेल एज पैटर्न ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स का भी काफ़ी शौक था। इज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से लेके रिवर यमुना था, तो और वेस्ट में चंबल रिवर से लेकर नॉर्थ के हिमालय तक, एंड हिमालय के नॉर्थ से लेकर साउथ के नर्मदा रिवर तक काफ़ी बड़ा उनका एम्पायर था, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ब्रेवरी एंड जनरलशिप दैट ही इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, उनकी ब्रेवरी की वजह से, उनकी जनरलशिप की वजह से उनको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन भी काफ़ी ब्रेव था, तो उनसे इनका कंपेरिजन किया गया। ही फर्दर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू द चंबल रिवर बाय डिफीटिंग द नाग किंग्स ऑफ मथुरा, उन्होंने मथुरा के नाग किंग्स को हटाकर चंबल रिवर से भी ज़्यादा अपना वो कहते हैं एम्पायर एक्सटेंड कर लिया। ग्वालियर के किंग्स को भी हराया, अच्छी अच्छित्रा एक जगह वहाँ को भी हराया। एक नंबर वाली गल है, पता है, एक नंबर वाली गल है। लाइक अलेक्जेंडर ही वाज डेयरिंग, अब अलेक्जेंडर से उनकी बराबरी की जाती है, वो कहें अलेक्जेंडर की तरह वो काफ़ी हिम्मत वाले थे। ड्यूरिंग हिज फेमस डेक्कन कैंपेन ही कवर्ड मोर देन 3000 माइल्स थ्रू डेंस फॉरेस्ट, मतलब डेक्कन की तरफ जब वो बढ़े तो उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा माइल्स घने जंगल में बेसिकली उन्होंने कैंपेन चलाया। दो ही डिफीटेड मैनी पावरफुल रूलर्स, बेशक उन्होंने काफ़ी पावरफुल रूलर्स को हराया। ही डिड नॉट अनेक्स सदर्न टेरिटरीज, लेकिन वो तब भी साउथ के टेरिटरी कर पाए अपने आप ही, कर पाए अपने आप ही, है ना। ही मेड सदर्न किंग्स एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी एंड अलाउड देम टू रूल, उन्होंने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया और उनको रूल करने दिया, वो कुछ कर ही नहीं पाया उनका साउथ वालों का। द अलावा पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त ऑफ समुद्रगुप्त डिस्कस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम, वो कह रहे हैं वहाँ पर चार तरीके के रूलर्स होते थे, ये भी उस पिलर में लिखा हुआ है, और उनकी समुद्रगुप्त की पॉलिसीज क्या थी उनके लिए, उन चारों तरह के रूलर्स के लिए, तो ये भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो चार चार रूल्स होते थे, पहले रूलर होते थे आर्यभट्ट के,
नाइन रूलर्स ऑफ आर्यभट्ट, 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ यानी साउथ इंडिया के, ठीक इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, ये कुछ पार्ट्स डिवाइड किए गए जिसमें आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और कुछ गणवीर संघ के इंक्लूड किए गए साउथ वाले, है ना। और फोर्थ वाला, द रूलर्स ऑफ आउटरिंग एरियाज सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड द डॉटर्स इन मैरिज, मतलब कुछ तो लोग सरेंडर करके चले गए, कुछ लोगों ने अपनी शादी करा दी अपनी बेटियों की, तो वो वाले रूलर्स भी थे, तो चार तरीके के रूलर्स हो गए, है ना। फोर्थ वाला पॉइंट तो कुछ है नहीं, समझाने नहीं है, वन टू थ्री समझाना है। द नाइन रूलर्स ऑफ आर्यभट्ट वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड एज अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। आर्यभट्ट को बेसिकली सेंट्रल रीजन बनाया गया, ठीक है, एक सेंट्रल रीजन बनाया गया और उसको समुद्रगुप्त का एम्पायर बना लिया गया, बेसिकली समुद्रगुप्त एक इम्पोर्टेंट पार्ट उसको बना लिया गया। 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ साउथ इंडिया बेसिकली, हु सरेंडर्ड, इन्होंने सरेंडर कर दिया, हु सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हारने का दोनों अपना रीजन, समुद्रगुप्त को डिफीट कर वो सरेंडर कर दिया, एंड वर लिबरेटेड एंड अलाउड टू रूल अगेन ओवर देयर किंगडम, और समुद्रगुप्त ने उनको अलाउ द्वार से उनको आज़ाद कर दिया और कहा कि तुम रूल करो, लेकिन आप तो रूल करोगे मेरे अंडर में, आप तुम रूल करोगे मेरे अंडर में, ठीक है, मेरे लिए तुम रूल करोगे बेसिकली, अब तुम इंडिपेंडेंट किंग नहीं हो बेसिकली, तो मेरे क्यों मेरे हो, है ना। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ संघज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिकली मेनी किंग्स इन द नॉर्थ बेस्ट टू पे ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, एक तरह सब कैसे रेस्पेक्ट देना, ठीक है, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, मतलब ये जो के जो कोर्ट ज़्यादा उससे ज़्यादा थे उन्होंने उनको फॉलो किया, उनके बात मानते थे, उनको उनकी रेस्पेक्ट करते थे बेसिकली, तो इनकी भी बेसिकली क्या हो गए, ऐसे इन्होंने चार तरीके की कैटेगरी डिवाइड की, आर्यभट्ट वाले, दक्षिणापथ वाले, और ये कुछ लोग है ना, और जहाँ से और एक बुक है जो जिन्होंने इनकी शादी वगैरह करा दी थी, है ना, अपनी बेटियों से। दो सेकंड रुकना, एक फोन आ रहा है। आज तो बताइए, मैं शायद आपसे मिलने के लिए कहूँगा, आज दो तीन थोड़ा बिजी रहूँगा, आज का उनसे 28 के बाद आ जाइए, आप 27 है ना, परसों आ जाइए। शाम को दिखा दिया, अब क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू समुद्रगुप्त कोर्ट पोइट हरि सेना, समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड एन अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ है ना, अ हॉर्स सैक्रिफाइस, उन्होंने एक हॉर्स सैक्रिफाइस भी किया, यानी एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपना घोड़ा हारा। समुद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली ब्रेव वॉरियर बट एंड कंकरर बट ऑल्सो ग्रेट रूलर, और एक अच्छे रूलर भी थे, अ म्यूजिशियन एंड विदेक पोइट भी थे, विदेक पोइट भी थे। इन वन ऑफ हिज कॉइंस ही इज शोन प्लेइंग द वीणा, उनके एक कॉइन था उस टाइम पे, कॉइन में ऐसा दिखाई देता है कि वीणा बजा रहे हैं, वीणा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। समुद्रगुप्त इशूड 8 टाइप्स ऑफ कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, समुद्रगुप्त ने 8 तरीके के कॉइन इशू किए थे जो सोने के बने हुए थे। हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स एंड लिटरेरी पर्सन, उनका जो कोर्ट था बेसिकली वो बहुत पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। समुद्रगुप्त वॉज अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड वर्शिप टू लॉर्ड विष्णु, वो थोड़े ब्राह्मणों के फॉलो करने वाले लोग थे और लॉर्ड विष्णु की पूजा वो करते थे।
ही ऑल्सो हैड फेथ इन वैदिक सेक्रीफाइसेस, वो वैदिक सेक्रीफाइस में भरोसा रखते थे, बट ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स द अदर रिलीजन्स, अब अदर रिलीजन्स के प्रति भी काफ़ी सहनशील थे, ठीक है। गुप्त एम्पायर का रीजन है बेसिकली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, देखो तो साउथ में नहीं है वो, साउथ में नहीं है वो, साउथ में नहीं है, पूरी जगह पर फैला हुआ है, बस साउथ में नहीं फैला हुआ है बस। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, द गुप्त इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट चंद्रगुप्त टू सक्सेडेड हिज फादर समुद्रगुप्त inherited the he inherited the military genius of his father and extended the Gupta Empire the conquest of the मतलब उन्होंने खुद से कर अपने फादर से का जीत कर अपने फादर का जो एम्पायर था उसको बड़ा किया। ही अनेक्ट द टेरिटरीज ऑफ साकाज ऑफ मालवा, मालवा के जो साकाज लोग थे उन लोगों को हरा कर उन्होंने उनके टेरिटरी को अपने आप में शामिल किया, गुजरात के लोगों को गुजरात को अपने टेरिटरी में शामिल किया, सौराष्ट्र जगह की कुछ टाइम की कुछ जगह है उसको भी अपने किंगडम में अपने टेरिटरीज में इंक्लूड किया। फॉर दिस इसलिए ही वॉज गिवन द टाइटल सकारी, साका को रहने वाले सकारी है ना, कौन करोगे या फिर जिसका मीनिंग क्या है कौन करोगे साकार, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनको सकारी क्यों बोला जाता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नोटेड हिस्टोरियन डॉक्टर विंसेंट स्मिथ, एक विंसेंट स्मिथ नाम के हिस्टोरियन है, वो क्या कहते हैं, The annexion of Saurashtra and Malwa not only added to the empire, provinces of exceptional wealth and fertility, but opened up access to the ports of the western coast and thus placed Chandragupta II in direct touch with the seaborne commerce with Europe through Egypt. बिचलों क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने गुजरात को जीता, सौराष्ट्र को जीता, तो उन्होंने केवल एक वेल्दी और फर्टाइल जगह को नहीं जीता, एक वेल्दी प्लेस को या फर्टाइल किंगडम को नहीं जीता। बेसिकली बेसिकली उन्होंने आपको बताता हूँ जो गुजरात है, गुजरात में पोर्ट है, सौराष्ट्र की जगह है वहाँ पे बेसिकली, तो वहाँ पोर्ट्स वगैरह हैं, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरह से अपने दरवाजे खोले वेस्टर्न कोस्ट के लिए, ताकि वो एक डायरेक्ट टच बना पाए, किसके साथ बना पाए, सी बॉर्न कॉमर्स के साथ, यानी वो सिंपल सा बिजनेस में शामिल हो सके, किसके साथ, विद यूरोपियंस थ्रू इजिप्ट, ठीक है। धीरे धीरे वो ये कर सकें, तो काफी उनको बेनिफिट हुआ गुजरात वगैरह जीतने के बाद। चंद्रगुप्त टू एंटर इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस एज अ पार्ट ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी, वो मैट्रिमोनियल अलायंस में गए, तो उन्होंने कुबेर नाग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी की कुबेर नाग से, ऑफ द नागा फैमिली के कुबेर नाग से उन्होंने शादी की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैट्रिमोनियल अलायंस में उन्होंने क्या था, किससे मेरी शादी की, उन्होंने कुबेर नाग से शादी की नागा फैमिली की। द नागाज वर अ पावरफुल रूलिंग क्लैन, क्लैन मतलब एक ग्रुप है ना, तो रूलिंग ग्रुप था वो उस टाइम का काफ़ी पावरफुल, एंड दिस मैट्रिमोनियल अलायंस हेल्प द गुप्ता रूलर इन एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, और इसने काफ़ी उनकी हेल्प की। द मैरिज ऑफ चंद्रगुप्त डॉटर, चंद्रगुप्त की जो डॉटर थी प्रभावती, वक्त का रूलर के साथ उनकी शादी हुई, जिसका नाम था रुद्रसेन टू, हेल्प हिम टू एस्टैब्लिश हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन, उनके बेटे की शादी उन्होंने एक पावरफुल जगह पर कराई, ठीक है, जिससे उनको क्या हुआ, डेक्कन पे अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए चांस मिला। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू दैट द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया, इसी टाइम पर चाइनीज पिलग्रिम बेसिकली फाहियान थे वो इंडिया में आए। फाहियान डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ चंद्रगुप्त टू इन हिज अकाउंट्स, उन्होंने अपने अकाउंट्स में बेसिकली अपने बुक में चंद्रगुप्त टू का नाम तो नहीं लिखा बेसिकली, बट ही गिव्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल एंड जनरल कंडीशन ऑफ द किंगडम, वहाँ से लोगों की लाइफ के बारे में, जनरल कंडीशन जो किंगडम की होती है उनके बारे में बेसिकली बहुत कुछ बताया है। लाइक समुद्रगुप्त ही इशूड अ वाइड वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन, समुद्रगुप्त ने 8 के गोल्ड कॉइन इशू किए थे, इन्होंने भी काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन इशू किए थे। The difference in design between the coins of the two rulers are significant. उन दोनों के डिजाइनों में जो difference था वो काफी difference था, वो काफी different था। चंद्रगुप्त टू is represented as sailing on a line. चंद्रगुप्त टू जो है वो एक लाइन पर सवारी करते हुए दिखाए गए हैं। और सब कुछ विद द लेजेंड सिंह विक्रम वेरे समुद्र के स्टोन एज अ स्लेइंग अ टाइगर।
वो उन्होंने एक लाइन को दिखाया बीच में और एक ने टाइगर को दिखाया, थोड़ा तो डिफरेंस है ठीक है, तो डिजाइन के इसमें डिफरेंस है, वो बेसिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट है ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ऑन मैनी ऑफ इज क्वाइंट है चंद्र गुप्त टू है टाइटल विक्रमादित्य, उनके उनका जो कॉइन पर जो टाइटल था वो विक्रमादित्य का था। दिस कोर्ट इज सेड टू हैव बीन अराउंड बाय 9 जेम्स इंक्लूडिंग कालिदास ब्रह्मधीर अमर सिंह। आपको कालिदास के बारे में पता होगा, कालिदास के पोइट थे बेसिकली, ऐसा माना जाता है कि उनके जो उनका जो कोर्ट था बेसिकली उनका जो महल था वहाँ पे 9 जेम्स थे। 9 जेम्स मतलब क्या, नौ बेस्ट बेस्ट लोग होते थे ना, जो बेस्ट लोग होते थे उनके जेम कहते थे, तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे 9 बेस्ट लोग थे, अलग अलग फील्ड के जो बेस्ट लोग थे, जिसमें से वो कुछ तीन के नाम बता रहे हैं, एक कालिदास उनमें से एक थे, ब्रह्मधीर उनमें से एक थे, उनके नाम से ना सुना पर कालिदास के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अमर सिंह नाम भी थे। ही वो सक्सेडेड बाय कुमार गुप्त के जो डेथ के बाद उनका बेटा बना वो कौन ना कुमार गुप्त। इट वॉज ड्यूरिंग कुमार कुमार गुप्ता रीजन दैट द हू नाज एक बारबेरियन ट्राइब था, बारबेरियन ट्राइब मतलब क्या घुमंतू, जो घूमते रहते हैं जगह पर अटैक करते रहते हैं, क्योंकि वैसे अपना अड्डा नहीं होता, ये बाहर से आते हैं, बाहर से यानी फॉरनर्स होते हैं बेसिकली, और दूसरे वहाँ पर आकर अटैक करते हैं। एक बारबेरियन ट्राइब था सेंट्रल एशिया का, एशिया का बेसिकली ट्राइब वो था जिसने इंडिया पर अटैक किया फॉर द फर्स्ट टाइम। एट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट अटैक द क्राउन प्रिंस स्कंद गुप्त हैज असेंडेड द थ्रोन ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने अटैक किया इन हुनाज ने तब तो कुमार गुप्त थे, जब सेकेंड टाइम उन्होंने अटैक किया तो स्कंद गुप्त किंग थे, ठीक है, तो हुनाज का क्रशिंग डिफीट उन्होंने हुनाज को हराट करा दिया। And they did not dare attack India in the next 50 years. So, 50 साल तक भी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा इंडिया पर अटैक कर पाए। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ये भी काफी बड़ा चैप्टर है आपका। द गुप्ता पीरियड सो वन सो द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द रिपब्लिकन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट होती बेसिकली वो चीज तो यहाँ पर गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे कम होती दिखाई दी, धीरे धीरे कम होती दिखाई दी, ऐसा क्यों देखते हैं? मोनार्की वॉज द प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की मतलब क्या, वही इनहेरिटेंस वाला सिस्टम ठीक है, फादर का बेटा उसका बेटा फिर उसका बेटा किंग ही बनेगा ठीक है। मोनार्की वॉज द प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, द थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द पीरियड, डिविनिटी मतलब इनहेरिटेंस वाली चीज। द गुप्ता किंग्स वर कंपेयर टू डिफरेंट गॉड्स, गुप्ता पीरियड को अलग अलग गॉड्स से कंपेयर किया गया था, यम वरुण इंद्र एंड कुबेर, दे वर कंपेयर टू विष्णु एज रिगार्ड्स देयर फंक्शन ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल। ओहो, अगर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, लोगों को बचाने की बात की जाए है ना, तो प्रिजर्व करने की प्रोटेक्ट करने की बात की, तो उनको कंपेयर भगवान विष्णु से भी किया जाता है, बहुत बड़ी बात है ठीक है। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी अपीयर्स ऑन मेनी गुप्ता कॉइंस, वो अपने कॉइंस पर लक्ष्मी माता लक्ष्मी की भी फोटो वगैरह बनाते थे। द गुप्ता किंग्स एंजॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ पावर्स विच कवर द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एंड जुडिशियल फील्ड्स, मतलब वो हर फील्ड में इन जो फील्ड्स उन्होंने बताए इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे बेसिकली। दे वर द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, वो अपनी चीफ आर्मी के कमांडर हुआ करते थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू स्कंदगुप्त पर्सनली लीड देयर आर्मीज, इनकी खुद की अपनी आर्मीज थी, इनकी खुद की एक अपनी आर्मीज थी यानी जिसको ये लीड करते थे बेसिकली ठीक है। द किंग्स अपॉइंटेड ऑल द गवर्नर्स एंड इम्पोर्टेंट मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स, द गवर्नर्स एंड देयर ऑफिसर्स हैड टू वर्क अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द किंग, गवर्नर को और ऑफिसर्स को किंग के अंडर में, किंग के गाइडेंस के अंडर में करना होता था, काम करना होता था। लाइक वाइज द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट ऑल्सो वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द किंग, एक सेंट्रल सेक्रेटेरियल भी होता था जो किंग के सुपरविजन में काम करता था। द किंग वॉज द सोर्स ऑफ ऑल ऑनर्स एंड टाइटल्स, जो जितने ऑनर से टाइटल दिया जाते हैं दिए जाते थे उनको ओनली सोर्स का किंग था, यानी कि अगर कोई काम करता है तो उनको जो ऑनर वगैरह देगा वो केवल किंग ही देता था। ऑल लैंड इन द कंट्री वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग, हु कुड
एनीबडी ही सेम टू एनीबडी ही प्लीज, मतलब कह रहे कंट्री में जो भी जगह थी वो सारी किंग की थी, जो वो जिसको चाहे उसको दे सकता है अगर वो खुश होता है तो। एक और कंस्ट्रक्ट डैम्स, वो डैम्स बना सकते थे, फॉरनर को शेल्टर, किसी फॉरनर को शेल्टर दे सकते थे, इम्पोज कर सकते थे, रिकवर करा सकते थे, रेमिट कर सकते, टैक्सेस वगैरह को माफ़ करा सकते थे, एंड गिव जस्टिस, जस्टिस वाला भी काम देते थे, क्योंकि जस्टिस वगैरह भी चेक करते थे। इफ़ एनी प्रॉपर्टी वॉज अनक्लेम्ड दे वेंट इन द कॉफर्स ऑफ द किंग, मतलब कि प्रॉपर्टी किसी की है जिनको अपनी प्रॉपर्टी को लेने जा नहीं रहा है तो वो किंग के कंट्रोल में आ जाती थी। द किंग्स पॉम्पस टाइटल परमेश्वर, एक किंग को एक टाइटल दिया गया परमेश्वर, महाराजा अधिराज, इन किंग्स को एक बहुत बड़े बड़े टाइटल दिए गए, परमेश्वर, महाराजा अधिराज, परम भट्टरका, इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ लेसर प्रिंसेस, इधर तो चलते हैं प्रिंसेस कम, प्रिंस कम होते थे बेसिकली, इन चीफ लोग कम होते थे बेसिकली, किंगों पर ज़्यादा ना वो चलता था। विद होम दे हैड टू कम टू टर्म्स एंड मैनेजिंग द देयर एम्पायर, मतलब लोगों का कोई टर्म वगैरह बनाने हैं, कोई भी ऐसा था ना, किंग वगैरह से बेसिकली ज़्यादा बात नहीं करते, तो प्रिंस वगैरह का ज़्यादा रोल था नहीं। डेथ पेंड ऑन इंस्टीट्यूट ऑफ डेथ पेंड द डिवाइन एलिमेंट्स एट्रिब्यूटेड टू गुप्ता किंग्स द ब्राह्मण्स एज द चीफ कस्टोडियन ऑफ लॉ इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉ एक्स एज अ चेक ऑन द रॉयल पावर, वो कह रहा है गुप्ता प्रिंस के पास बेसिक बहुत ज़्यादा डिवाइन क्वालिटीज थी, पर फिर भी ब्राह्मण्स कौन थे, चीफ कस्टोडियन थे और लॉ को इंटरप्रेट करने वाले लोग थे जो कि रॉयल पावर पर कंट्रोल लगाते थे, चेक मतलब कंट्रोल, इनके पास ही पावर थी कि वो कुछ भी कंट्रोल लगा सकते हैं इनके ऊपर है ना, किंग्स के ऊपर है ना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द गुप्ता रूलर्स हैड देयर काउंसिल्स, कालिदास द रिनोन्ड पोएट रेफर टू द मंत्री परिषद, कालिदास को मंत्री परिषद बोला जाता था, इट कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रिंस, यहाँ पे इन्हें प्रिंस भी हो जाता था, इस ग्रुप के अंदर हाई ऑफिसर्स भी रहते थे, सुडेटरीज भी रहते थे, सुडेटरीज का मीनिंग पता है क्या होता है, नोट करो नोट करो, लिख लिया आप यहाँ देख सकते हो, स्लेब वगैरह, स्लेब है ना, स्लेब भी रहते थे आजकल यहाँ पे। अमंग द हाई ऑफिसर्स वर द कुमार मत्य, अगर हाई ऑफिसर्स की बात करें तो हाई ऑफिसर्स में कौन कौन आते थे, कुमार मत्य, संधि विग्रही का, कुमार मत्स्य ने क्या किया, एक चीफ कैडरी बनाया, कैडरी मतलब ग्रुप होता है, इसलिए फॉर रिक्रूटिंग हाई फंक्शनरीज जो बड़े बड़े लेवल के जो काम होते हैं उनको करने के लिए, लोगों को सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने चीफ कैडरी बनाया। सम ऑफ द कुमार मत्स्य द फंक्शन इन देयर ओन राइट एंड मेंटेन देयर लेवल ऑफ ऑफिस बेहतर है, द ऑफिस ऑफ संधि विग्रही का जो मिनिस्टर था किसका, पीस एंड वॉर का, जो बेसिकली वॉर और पीस को संभालता था, फर्स्ट अपीयरेंस अंडर फर्स्ट अपीयर अंडर समुद्रगुप्त एंड हरिसेना हैड द टाइटल, तो बेसिकली जो सबसे पहले जो काउंसिल बना ये बना समुद्रगुप्त के टाइम पर, और जिसका जिस ये पोस्ट जिसको मिली वो किसको मिली, हरिसेना को मिली थी। द मेन ड्यूटी ऑफ संदीप ग्रहिक वॉज टू डील विद द फ्यूडेटरीज, इनका जो फ्यूडेटरीज होती थी स्लेब होते थे उनका डील करना। इन एडिशन टू दीज ऑफिसर्स देर आर रेफरेंसेज टू अ डजन ऑफ अदर ऑफिसर्स एंगेज इन मैनेजिंग मिलिट्री, मिलिट्री को संभालने में बहुत सारे लोग थे, फिजिकल सिस्टम यानी फाइनेंशियल सिस्टम को संभालने के लिए, रोल मेडल को संभालने के लिए बहुत सारे लोग थे। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कैवलरी सपोर्टेड बाई सील्स एंड इंस्क्रिप्शंस, कैवलरी पता है क्या होता है, नहीं पता क्या बोलूँ, घुड़सवार सेना को इंग्लिश में क्या बोलूँ, घुड़सवार सेना को इंग्लिश आर्मी ऑफ हॉर्स लिख लो, आर्मी ऑफ हॉर्स गार्ड, आर्मी ऑफ हॉर्स गार्ड है ना, तो काफी सारे उनके पास घोड़ा घुड़सवार थे जो कि सपोर्ट होती थी, बस सील से इंस्क्रिप्शन पर सील लगी होती थी, इंस्क्रिप्शन लगे होते थे, सिविल ऑफिसर्स सच एज अमत्यज कुमार मत्स्य एटसेट्रा परफॉर्म मिलिट्री फंक्शंस और वर प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ हाई मिलिट्री ऑफिसर्स, या तो मिलिट्री के काम किया करते थे यानी फौजी वगैरह होते थे,
ना बिस्किट टाइम पास सोल्जर्स होते थे और कभी कभी उनकी खाई देखने को मिल जाती थी। देर वर ऑफिसर्स कनेक्टेड विद द लैंड ट्रांजेक्शन, लैंड ट्रांजेक्शन और लैंड रेवेन्यू वगैरह। सम ऑफ दिस मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, कौन सी लैंड किसकी है, कब सेल की, किसको सेल की और अदर रिकॉर्ड्स कनेक्टेड विद लैंड। और लैंड मेंटेन रिकॉर्ड हो सकते थे वो सब, है ना। रेवेन्यूज माइट हैव बीन कलेक्टेड मोस्टली इन काइंड, रेवेन्यू जैसे इन काइंड मतलब क्या, नॉन कैश, यानी कैश में नहीं मिलता था, उसके बदले में कुछ मिलता था, यानी कोई बार्टर। बट रिच पीजेंट्स, जो रिच किसान होते थे बेसिकली, पीजेंट्स मतलब फार्मर, जो रिच किसान होते थे प्रोबेबली पेड इन कैश, लेकिन जो रिच लोग होते थे वो शायद कैश पे करते थे। द ऑफिसर कनेक्टेड विद द कलेक्शन ऑफ टोल्स ऑन कमोडिटीज जिन्होंने सॉल्व किया, सॉल्व किया बेसिकली कह रहे हैं सामानों के ऊपर वो टैक्स लिया करते थे, टैक्स उस टैक्स को हम सॉल्की का कहते थे, क्या कहते हैं, सॉल्की का कहते हैं। यहीं तक पढ़ते हैं, प्रोविंशियल वाला हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। काफी बोरिंग है ये वाला, यहाँ पे इसकी स्टोरी नहीं दी है, स्टोरी देंगे तब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। होमवर्क पहला ये बस यही आपको है ना।